आतंकी हमले की साजिश में गिरफ्तार 6 में से 4 आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा, बाकी 2 आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी। देश को दहलाने की दाऊद इब्राहिम की साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली यूपी महाराष्ट्र समेत कई बड़े शहरों में नवरात्रि और दशहरे पर बड़े धमाके की साजिश थी। उसामा और जीशान से पूछताछ में बड़ा खुलासा, दोनों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, जिस बोट में दोनों मस्कट से पाकिस्तान गए उसमें 15 बांग्ला भाषी भी थे, इन आतंकियों की तलाश जारी है। ओडिशा पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को रक्षा विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप, सभी आरोपी डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्ट पर थे, शुरुआती जांच में हनी ट्रैप का शक। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी, ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मिल सकती है मंजूरी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना को भी मंजूरी संभव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में करीब 5 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कार्यक्षमता बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, सभी मंत्रियों ने डिनर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर के साथ करेंगे संसद टीवी लॉन्च, राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनलों को मिलाकर नया संसद टीवी आ रहा है। जीएसटी काउंसिल की परसों लखनऊ में बैठक, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हो सकता है विचार, सूत्रों के मुताबिक कोरोना से जुड़ी जरूरी सामग्री पर टैक्स छूट की समय सीमा भी आगे बढ़ाई जा सकती है। कोवैक्सीन को इस महीने के आखिरी तक WHO से मिल सकती मंजूरी, नीति आयोग के सदस्य VK Paul ने बताया। JEE मेंस परीक्षा के नतीजों का ऐलान, 44 छात्रों ने 100% स्कोर किया, पहली रैंक पर रहे 18 छात्र, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र देख सकते हैं नतीजे। और आइए अब बात करते हैं गुजरात की, जहां भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद अब आज उनकी कैबिनेट में कुछ नए चेहरे शामिल होने वाले हैं, तो कुछ की छुट्टी होना भी तय माना जा रहा है। गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथ में आने के बाद आज नया मंत्रिमंडल ले सकता है शपथ, सूत्रों के हवाले से खबर, 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं, रूपाणी कैबिनेट में रहे दिग्गज मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। बाढ़ के कहर से जूझते गुजरात के जामनगर और राजकोट में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जामनगर और राजकोट के इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाले जूनागढ़ में बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं, सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा, बाढ़ वाले 3 जिलों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है NDRF और वायुसेना। बाढ़ बारिश की वजह से राजकोट जामनगर जूनागढ़ जिलों से गुजरने वाले 18 स्टेट हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें हैं बंद, सरकार का दावा हर हालात पर है नजर। गुजरात के 8 महानगरों अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और वडोदरा में 25 सितंबर तक रात 11 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू बरकरार रहेगा। अब सबसे बड़े प्रदेश यूपी की खबर, जहां 6 महीने में चुनाव होने हैं लेकिन सियासी पारा अभी से हाई। पीएम मोदी की मिशन यूपी पर जाट वोटरों को साधने की कोशिश, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, बोले 20वीं सदी की भूल का 21वीं सदी में सुधार हो रहा है। यूपी की पिछली सरकारों पर बरसे पीएम मोदी, कहा बीजेपी ने यूपी को गुंडा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई, योगी राज में बेटियों को सुरक्षा मिली। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की भी शुरुआत की, बोले अलीगढ़ के तालों ने घरों की रक्षा की, अब अलीगढ़ सीमाओं की सुरक्षा में लगेगा।
मोदी के दौरे के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा मोदी ने पुरानी सरकारों के काम को लेकर झूठ बोला, माफियाओं के नाम पर गरीबों का घर तोड़ रही है योगी सरकार। चुनाव से पहले आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी, अलग अलग जिलों में बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और कोसी मथुरा में पेप्सिको की 814 करोड़ की लागत से बने प्लांट का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा, मनीष सिसोदिया बोले सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा रामराज्य, राम के सहारे सबका बेड़ा पार। यूपी में राम के नाम पर छिड़ी जंग, यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा जो लोग पहले श्रीराम का दर्शन और अयोध्या आने से कतराते थे आज वो अयोध्या के चक्कर लगा रहे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो बात करने के लिए तैयार है तो हम सबसे बात करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले ओवैसी देश में दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं, ओवैसी का एजेंडा सिर्फ तालिबानीकरण इस्लामीकरण है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी, अब तक 60 लोगों की मौत, तो दिल्ली से लगे गाजियाबाद में डेंगू के 21 मरीजों की पुष्टि। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बकरी के दूध की कीमतें आसमान पर, 1500 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है बकरी का दूध, परेशान लोगों ने कहा प्रशासन बंद करवाए मुनाफाखोरी का धंधा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों। दूसरे राज्यों से आने वालों का ब्यौरा रजिस्टर रखने के निर्देश पर घिरे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मुंबई के समता नगर थाने में शिकायत दी, उद्धव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर बोले रेप करने वालों की जाति धर्म और प्रांत नहीं होता, उद्धव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया, मराठी लोगों को खुश करने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा किया, वे माफी मांगी। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत का जवाब, कहा सीएम उद्धव ने किसी जाति धर्म या राज्य का नाम नहीं लिया, उनके बयान में कुछ गलत नहीं, बीजेपी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में साकीना का रेप केस में मुख्य आरोपी के गांव जौनपुर पैटर्न के जिक्र से भी गर्मा रही है सियासत महाराष्ट्र, बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चे ने शिवसेना से पूछा पुणे के रेप को भी पुणे पैटर्न बोलना चाहिए क्या। दिल्ली और आसपास आज और कल फिर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं। पंजाब और राजस्थान से क्या बड़ी खबरें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एमपी से आएगी ईवीएम मशीन, उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर 23,80,000 रुपए की गई है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने दो दिनों में दूसरी बार कहा कि किसान आंदोलन से राज्य और लोगों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है, उन्होंने मोगा में अडानी के गोदाम और कोटकपुरा में एफसीआई के गोदाम तक अनाजों के लिए वाहनों की आवाजाही की इजाजत देने की भी गुजारिश की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आर्थिक नुकसान वाले बयान पर किसानों का जवाब, कहा आंदोलन से पंजाब के लोगों का फायदा, हमने लोगों का 800 करोड़ रुपए टोल टैक्स बचाया, हम किसान और दुकानदारों के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को आज से छुट्टी पर भेजेगी कैप्टन सरकार, डोज के लिए आज तक दी गई थी मियाद। राजस्थान में हनी ट्रैप मामले से गर्माई सियासत, सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दावा, हनी ट्रैप में फंसाकर सियासी रंजिश का शिकार बनाने की कोशिश की गई, विपक्ष ने गहलोत को घेरा। राजस्थान की जयपुर पुलिस का खुलासा, नीट का पेपर जयपुर में लीक हुआ था और इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी, नकल के लिए 35 लाख में हुआ था सौदा। बिहार से आने वाले एक सांसद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, तो बंगाल में ममता से जुड़ी नई खबर क्या मिली है चलिए उस पर नजर डालें।
बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया रेप का मुकदमा। कोर्ट ने दिया था आदेश, पीड़िता ने दिल्ली के फ्लैट में रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों को चपेट में लेते मौसमी बुखार के बीच शहर में पिछले 8 दिन से गंदगी के ढेर, समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं। बक्सर जिले में सरकारी अस्पताल की बेदर्दी से एक मरीज की तड़प तड़प कर मौत, देर रात लाए गए मरीज के लिए अस्पताल का दरवाजा नहीं खोला गया जिससे इलाज के अभाव में उसकी दरवाजे पर ही मौत हो गई। टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए नामित किया। सुष्मिता देव बोली, ममता बनर्जी चाहती है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाऊंगी। तो अब मध्य प्रदेश समेत देश के कुछ और राज्यों की खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़कर 2,570 हुए। शिवराज सरकार आज से डेंगू विरोधी अभियान शुरू करेगी। रोकथाम के कामों के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। एमपी की शिवनी के पेच टाइगर रिजर्व में बाघ के एक नजारे ने पर्यटकों को खुश कर दिया। बाढ़ के पानी में उतरकर फिर अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए पेड़ से लिपटा बाघ, सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बोले, हिमाचल के विकास के कार्यों पर चर्चा हुई, 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में मंदिर तोड़ने पर सियासी झगड़ा, बीजेपी सरकार पर कांग्रेस जेडीएस का हिंदू भावना को आहत करने का आरोप। बसवराज बोम्मई सरकार का दावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से हुए हादसों में पिछले 2 दिन में 4 लोगों की मौत, करीब 4,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के 12 जिलों में रेड अलर्ट। कश्मीरी युवाओं को वायुसेना की ओर आकर्षित करने के लिए होगा एयर शो का आयोजन। 26 सितंबर को डल झील के किनारे आजादी का महोत्सव के तहत ये एयर शो आयोजित होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।